हेलो दोस्तों, जापान ट्रिप के तीसरे दिन सेंसोजी टेंपल के बाद हम पहुंचे टोक्यो स्काई ट्री। सेंसोजी टेंपल से वॉक करके ही हम यहां पे आ गए थे। टोक्यो स्काई ट्री जापान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 634 मीटर है। जिस टाइम ये बिल्डिंग बनी थी उस टाइम ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। टोक्यो स्काई ट्री से आप टोक्यो सिटी और आसपास के एरिया का पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। यहाँ से हमने शर्मिला, हमेशा बादलों में छुपा रहने वाला, बहुत कम दिखाई देने वाला माउंट फूजी माउंटेन भी देखा। स्काई ट्री में दो ऑब्जर्वेटरीज हैं। एक है 350 मीटर की हाइट पे जिसको बोलते हैं टेम्बो डेक। इसमें तीन फ्लोर्स हैं जिसपे टॉप फ्लोर पे ऑब्जर्वेटरी है जहां से आप टोक्यो शहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो 360 डिग्री व्यू में। यहां पर बड़े बड़े शीशे लगाए हुए हैं। इससे नीचे वाले फ्लोर पे एक सोविनियर शॉप है और सबसे नीचे वाले फ्लोर पे कैफे है और एक ग्लास पैनल है जिसपे आप नीचे ग्राउंड तक देख सकते हो। इट्स थ्रिलिंग गाइज। दूसरा ऑब्जर्वेटरी 450 मीटर हाइट पे है जिसको कहते हैं टेम्बो गैलेरिया। इस वाली ऑब्जर्वेटरी में स्लोपिंग स्पाइरल रैंप है जिसमें आप जैसे जैसे टावर में चारों तरफ घूमते हो तो उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। मैक्सिमम हाइट लगभग 100 मीटर तक है। स्काई ट्री के बेस में एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक एक्वेरियम भी है। टोक्यो स्काई ट्री मई 2012 में पब्लिक के लिए खुला था और तब से ये टोक्यो का एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है। स्काई ट्री टोक्यो सिटी के लगभग हर जगह से आप देख सकते हो। अब मैं आपको टिकट्स के बारे में बताता हूँ। टिकटिंग काउंटर फोर्थ फ्लोर पे है और आप सिर्फ 350 मीटर वाली ऑब्जर्वेटरी की टिकट भी ले सकते हो या कम्बो टिकट भी ले सकते हो 350 वाली ऑब्जर्वेटरी की और 450 मीटर वाली ऑब्जर्वेटरी की। प्राइस दोनों का अलग अलग है। हमने सिर्फ टोक्यो डेक जो 350 मीटर पे उसकी टिकट ली थी। इसी फ्लोर से एक फास्ट एलिवेटर आपको 350 वाली ऑब्जर्वेटरी तक लेके जाएगा। 450 मीटर हाइट वाली ऑब्जर्वेटरी पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको 350 वाली ऑब्जर्वेटरी पर उतर के और दूसरी एलिवेटर लेनी पड़ेगी। टिकट प्राइस चेंज होते रहते हैं तो आप टिकट प्राइस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ पहुँच कैसे सकते हो। टोबू लाइन का टोक्यो स्काई ट्री स्टेशन स्काई ट्री के बेसमेंट में ही है तो यहाँ पहुँचना तो बहुत आसान है। आप असाकुसा स्टेशन से टोबू लाइन पकड़ सकते हो। वैसे आप असाकुसा स्टेशन से 20 मिनट वॉक करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। हम भी वॉक करके ही आए थे। टोक्यो स्काई ट्री में ही हमको रात हो गई थी। इसके बाद हम लोग अकिहाबरा गए इंडियन रेस्टोरेंट में, वहाँ पे खाना खाया, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के होटल पहुँचे और जाके सो गए। कल सुबह हम जाएंगे टोक्यो डिज्नीलैंड। वाओ, इट्स अमेजिंग। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में आपको। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन भी क्लिक करना मत भूलना। वैसे आप कर ही लोगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।